वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मुझे एक टेक्स्ट आया और उन्होंने ये पूछा है, जो हम कई दफ़ा बता चुके हैं कि कर्ज उतारने की तरकीब। उन्होंने ये पूछा है कि मेरे पर बहुत कर्ज है ज़ाती तौर पे, कारोबारी तौर पे, और आपने कुछ चीज़ें बताई जो उन्होंने की भी लेकिन उनको उसका फाका नहीं हुआ। तो पूछ वो ये रहे हैं कि कोई ऐसी तरकीब बताएं जो वो कर सकें, आसान भी हो और मुजर्रब भी हो। अच्छा, बहुत अच्छा। तो उसके लिए आप एक तो ये करें, जब आप खाना खाने के लिए हाथ धोते हैं उस वक्त कर्ज उतरने की नीयत करें। सुनने समझ के हम हाथ धोते हैं तो जब हाथ धोएं तो उस वक्त नीयत कर लें कि यार जैसे ये मैल कुचैल मेरे बदन का हाथ का उतर रहा है, यार इस तरह मेरा कर्ज भी उतर जाए। तो उस सुन्नत अमल में कर्ज़ की अदायगी की नीयत कर लें, ये बहुत मुजर्रब है। एक बहुत बड़े मुहद्दिस ने लिखा है कि इससे मुझे मेरे लाखों का कर्ज ऐसे उतर गया जैसे जिसकी मुझे खबर भी नहीं रही। तो ये आप शुरू कर लें। और उसके अलावा या फत्ताहु, हर नमाज के बाद 101 दफ़ा या फत्ताहु पढ़ें, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ, और ये 71 डेज की नीयत से आप शुरू कर लें। इंशाल्लाह आपका कर्ज बिल्कुल उतर जाएगा। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।